गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। शो करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। कल की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच भाई। कल हमने करे थे खुशी पे स्टंट, मतलब स्टंट तो नहीं करे थे, एक तरह से बोलूँ खाली व्हीली पॉप की थी, वो भी इस वजह से कि आपको दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ और फील करा पाऊँ कि भाई वाकई में खुशी का जो पिकअप है वो पहले से टॉप नॉच हो चुका है। और एक चीज़ मिस कर गया मैं उस वीडियो में, उस टाइम पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, जब मैं वीडियो एडिट करा तब मुझे याद आया, मैंने कहा भाई यार ये क्या करा। तो वो सीन ये था कि मैंने एक्सटेक चलानी थी, उसको छालना था, तो जो कि मैं भूल गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एक्सटेक जो है मतलब कि उतना पिकअप नहीं है उस बाइक के अंदर जितना इसके अंदर इस टाइम पे आ रहा है। एक तो भाई 5 क्लच प्लेट है, दूसरा नया इंजन ऑयल और तीसरा भाई पाँचों की पाँचों नई क्लच प्लेट है। आंटी ने एकदम से मुँह इधर उधर देखा, थूक दिया। तो कुल मिला के ये है भाई कि मतलब पिकअप जो है टॉप में हो ही रहा है इसका। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि भाई देखो, हर बंदा ये काम ना कर रहा है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, हर बंदे के लिए ये काम नहीं बना हुआ। जो काम ये काम उनके लिए बना हुआ है जो बाइक मतलब व्हीली मारना पसंद करते हैं, इनिशियल भगाना पसंद करते हैं, जिनको इनिशियल पंच चाहिए उनके लिए ठीक है। बाकी जैसे अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल रोड पे, ये वाले मतलब सिटी रोड्स एक तरह से बोलूँगा, तो इन रोडों पे आप क्रूज़ करते हो 40, 50, 60, तो अगर आपको ऐसी बाइक चलानी है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है कराने का भाई, मैं सही बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं कराने का। अच्छा कल व्हीली इतनी मार दी, क्लच जो है ना कुछ ज़्यादा ही देखो ये टाइट हो चुका है, मतलब कि जो पिकअप होना चाहिए वैसा वाला वो अभी फील नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि क्लच जो है टाइट हो गया इसका। देखो इतना सा ही गैप है, खाली इतना सा है ना, तो ज़्यादा गैप नहीं है। जब ज़्यादा गैप होगा तो गाड़ी छूटते ही चलेगी, मतलब कि हल्का सा क्लच छूटते ही चलने लग जाएगी। तो वाली अभी पिकअप इसके अंदर नहीं आ रही, तो अभी उसके लिए मुझे स्टाजी बच जाना है। प्लस मुझे जो क्लच के अंदर जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं वो नए डलवाने, वो नए डलवा दूंगा तो भाई साहब पिकअप बम्पाड़ हो जाएगा, बम्पाड़। तो भाई साहब ये लगा लो, लक्ष्मी नगर से आने में हालत ख़राब हो गई। उस्ताद जी का फ़ोन आ गया है कि भाई मैं आ गया हूँ दुकान पे, फटाफट आ जाओ। मैंने बोला ठीक है जी आ रहे हैं। तो अब ये लगा लो फटाफट से, अब जो है फटाफट पहुँच, तो अब जो है पहुँचते हैं कहाँ, ओगला फेज़ टू उस्ताद जी के पास। तो वहाँ जाके काम कराते हैं क्लच का, और फिर जो काम होगा वो आपको दिखाऊँगा इसी वीडियो में, बस बने रहो आप। बैठे क्या लीन हो रही है भाई, फुल लीन गेम चल रही है। क्यों नहीं नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी कसम से। ये देख रहे हो कितनी मतलब बदसूरत सी लग रही है बिल्डिंग, जब ये बन रही है अभी है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बिल्डिंग और अभी बन रही है, और जब ये बन के तैयार हो जाएगी ना क्या बढ़िया लगेगी ना ये बिल्डिंग। तो ये एक चीज़ तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन जब तैयार हो जाती है वो चीज़ तो मज़ेदार लगती है, जैसे हमारी खुशी है। अभी काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी, बट वो ये जब मैं इसमें काम कराने जा रहा हूँ अगर वो काम इसमें हो जाएगा और सही तरीके से हो जाएगा तो भाई साहब ये खुशी आतंक काट देगी। कैसे आतंक, आतंक का दूसरा नाम खुशी होगा, ध्यान रखना। गाड़ियाँ बिक रही है क्या उस्ताद जी के पास फोर सेल में, है कहीं? अच्छा ओगला फेज़ टू के अंदर आप आते हो तो वहाँ पे हीरो एआरसी है, यहाँ पे जो है सीएसबी बैंक है, बजाज है, केटीएम है, हस्कवरना है, उधर टीवीएस है, और ये दुकान है इनकी। ये ऐसे इन्होंने सेटअप लगा रखा है यहाँ पे, ऑन रोड ठिया है। हाँ दुकान की बात करूँ तो दुकान इनकी जो है ना मेन अंदर है। अंदर बैठे हैं क्या, लो ही बैठे हुए, क्या हाल है उस्ताद जी? बढ़िया, तुम्हारे बारे में जिक्र चल रहा था। ये क्या दुकान लगा ली है बेचने की भी, सब फोर सेल बिक रही है गाड़ी क्या? अभी जो काम इसमें पेंडिंग रह गया था वो काम मैं कराने आया हूँ। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे हमारे पास जब फर्स्ट वीडियो में आई थी कि प्रेशर प्लेट 4 डालिए, 5 डालिए, तो प्रेशर प्लेट कितनी डाली सोचिए गिनवाओ, 1, 2, 3, 4 इसमें प्रेशर प्लेट रहने वाली है, 5 क्लच प्लेट रहने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि झोल झाल हो, तो आपके सामने है, देख सकते हैं आप, दोबारा मैं एकदम क्लोजली दिखा रहा हूँ आपको, ये 4 है, 1, 2, 3, 4 चारों आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, 5 क्लच प्लेट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। तो ये एज इट इज़ लगा रहे हैं हम, ठीक है, हीरो का ही रहने वाला है और इसमें कोई और बाइक का हमने सामान नहीं लगाया कुछ ना भाई, यही पूछ रहे थे उस्ताद जी कि कौन सी गाड़ी का सामान लगाया, मैंने डायरेक्ट भाई स्प्लेंडर का स्टॉक सामान है,
बस ये इनकी कलाकारी किस तरीके से फिटिंग कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी गाड़ी को ऐसे यूँ लिटा रखा क्योंकि उसके अंदर जो हमने तेल डाला था मतलब इंजन ऑयल डाला था वो ना ख़राब हो, वो ना निकल जाए, इस वजह से हमने गाड़ी को लिटा के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सेविंग भी जरूरी है और बाकी तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पिकअप परफॉर्मेंस पहले भी अच्छा था, अब जो मैं कर रहा हूँ इससे और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने भाई गाड़ी ले आओ, हम करके दे देंगे, झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा आप लोग गलत वीडियो बना रहे हो। अच्छा भाई गलत वीडियो नहीं, एक बंदे ने बोलता झूठ कि हाँ कोई झूठ बोल रहे, मैंने वो मोटर ब्लॉग में बोलता कि भाई मैंने क्या मुझे मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें कोई कि तुम सोच रहे हो या हमारा कोई सामान हम नहीं बेच रहे। लो जी और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उस्ताद जी ने खुद बोला है क्या जी बढ़िया, उस्ताद जी ने खुद बोला है कि भाई सामान आप गाड़ी यहाँ लेके आओ आपके सामने डायरेक्ट हम फिट दे देंगे, कोई झोल झाल नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहे वीडियो में, कोई हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे पार्ट की जो हम अपनी कमाई के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको है अगर आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना मत कराओ, बट किन किन लोगों को कराना चाहिए वो मैंने बताई दिया था। उस्ताद जी ने बताया था जिनको 40-50 चलना है उनको नहीं कराना, जिनको भाई परफॉर्मेंस चाहिए जिनको भगानी है तो वो ये काम कराएं बाकी ना कराएं, है यही बात ही ना, वरना तो हम सबको बोलते हैं भाई काम सब कराओ है ना। यहाँ पर जो है ना हमारा क्लच असेंबली देखो बैठा दिए पूरी यहाँ पे, बस इसको कर रहे हैं फटाफट से असेंबल्ड और उसके बाद क्लच कवर लगाएंगे और गाड़ी कर देंगे खड़ी और उसके बाद जो है ट्राई ले लेना बस तो जी, है ना। ये देखो जी कवर लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, इसकी गैसकेट ठीक है ना, इसकी सही है क्योंकि भाई गैसकेट कभी भी आप इसे खुलवाते हो तो गैसकेट जरूर चेक कराएं और ख़राब हो तो चेंज कराएं वरना लीकेज जो है ना स्टार्ट हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमेशा से ये है कि भाई गैसकेट जरूर लगाना, ठीक है। गाड़ी जो हमारी पैक हो चुकी है, स्टार्ट भी हो गई देख सकते हैं यहाँ पे आप, अभी जो है ना उस्ताद जी लेके उस्ताद जी हल्की ट्राई तुम ले लो यार, पहले बाइक लुक चेक मारो यार, लुक लुक देख रहे हो खतरनाक अपनी खुशी का। फिलहाल तार की सेटिंग कर रहे हैं, जो अपना जो क्लच का तार होता है ना उसकी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। क्या बात है जी, लो जी ओके की रिपोर्ट है मामला, क्या हो जी आई गंदी हो गई पेंट, अब आ रही है पहले से बढ़िया है वो भाई भाई कदम से उस्ताद जी ने तो पूरी गाड़ी खड़ी कर दी, मुझे लगा गए भाई हमारे उस्ताद जी खींचते हुए आ रहे हैं गाड़ी जो बात है, वो देखो गाय वो देखो अलग ही गाड़ी लाइट है चमक मार रही एकदम बढ़िया। सही है, अब बातचीत आ रही है नहीं आ रही, आ रही है सही है। बाकी अब जो है ना इसको स्टॉक से कंपेयर करेंगे मतलब ड्रैग रेस करके, और जैसे कि आपने बोलता माइलेज माइलेज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पड़ेगा 2-3 किलोमीटर कम होगी क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ेगी ना, ठीक है। बाकी पहले रहती थी ये 60 के आसपास, मैंने इसके ऊपर पहले भी बना चुका हूँ वीडियो, और 55 तो मतलब 5-1 किलोमीटर फर्क पड़ने वाला, बाकी देखते हैं भाई क्योंकि राइडिंग स्टाइल जैसा होगा वैसी गाड़ी अगर हाईवे पे चलाओगे तो बराबर आएगी। अच्छा लोकल में कम हो जाएगी, लोकल में क्योंकि टॉर्क बढ़ गया ना, बस ये बात है। बाकी वही आई होप आपको काम समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बोला था ना मेरी बाइक के अंदर कुछ काम पेंडिंग है जिसकी वजह से अभी पिकअप जो है कम आ रहा है, अभी और पिकअप बढ़ जाएगा। अच्छा उस्ताद जी मिलते हैं, थैंक यू। तो फिलहाल जो है भाई उस्ताद जी का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी किसी को काम कराना हो करता है हाईली रिकमेंड है, ठीक है जी। मेरी बाइक का काम हो गया, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, बाकी पिकअप परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया है, ठीक है ना। बाकी ये देखो जी पिकअप बहुत अच्छा है, क्या बात है, मतलब पिकअप एक नंबर हो गया भाई, एक नंबर आए है आए है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। अच्छा टॉर्क भी काफ़ी अच्छा फील करा रही है भाई, जो बात है ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो किसी को काम कराना हो करा ले, लेकिन वही वाली बात है, अभी फिर बोलूँगा आप लोगों से कि भाई जिसका पर्पज़ है बाइक तेज चलाना परफॉर्मेंस लेना तो वही बंदा काम कराए, बाकी नॉर्मल बंदे जो हैं वो ना कराएं, नॉर्मल सर्विस कराएं। क्लच प्लेटें ख़राब हैं तो क्लच प्लेटें नहीं डलवा लें। TVS अपाची का जो मिथ है और जो एक तरह से उसका चरण चल रहा है, मैं बोलूँगा यहाँ से नहीं ले रहा भाई, मैं गाड़ी ट्रैफिक हो रहा है, जो TVS अपाची की अब जो क्लच प्लेट होती है ना गाइस, मैंने अच्छे समझ लिया है उसका लेदर और इसका लेदर
जो होता है क्रश प्लेटो का, जो स्प्लेंडर की होती है बेसिकली, इनका लेदर और उसके लेदर में फ़र्क होता है। अब उनका जो क्लच होता है, इनका क्लच जो होता है वो अलग होता है, वो अलग तरीके से जो है कंपनी ने इंजन डिज़ाइन किया होता है, इसका अलग हुआ हुआ है। अब स्प्लेंडर जैसी बाइक के अंदर आप दूसरी मतलब बाइक का जो है एक पार्ट डाल दोगे तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस तो देखो सही बताऊँ ना आपको मैं गाइज, सही बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो है ना एक दिखाने वाली बात है कि कौन किस तरीके से दिखा रहा है वो वाली बात है। तो पिकअप तो जब आप स्प्लेंडर के अंदर नई बाइक की क्लच, नई स्प्लेंडर की वो डाल देते हो ना स्प्लेंडर बाइक के अंदर आप क्लच प्लेटें, तो पिकअप परफॉर्मेंस तो आपको तब भी इतना ही टॉप नोच मिलता है और उतना ही मिलता है आपको अपाची की डालने से। बट ये है कि स्प्लेंडर की अगर आप क्लच प्लेट डालोगे ना अपनी बाइक के अंदर, स्प्लेंडर बाइक के अंदर ही, तो ये लगा लो आपको उसकी लाइफ मिलती है 20-25 हज़ार किलोमीटर मान लो बढ़िया, ठीक है। अगर आप वही टीवीएस अपाची डाल दो क्लच प्लेटें अपनी स्प्लेंडर के अंदर, तो क्लच प्लेटें आप नहीं यकीन मेरी बात का तो आप डलवा लेना क्लच प्लेटें उसकी अपाची की, और 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद अपना क्लच चेक करा लेना आप। अगर आपकी क्लच प्लेटें बंद ना निकले ना तो भाई आप जो मर्जी बता बोल देना मुझे, क्योंकि उनका जो लेदर होता है वो अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है ना। तो वो सब मिथ है, फालतू का है। आप जो है डलवा रहे हो तो स्प्लेंडर की ही डलवाओ, मैं नहीं बोल रहा आपको कि 5 ही डलवाओ 4 ही डलवाओ, जितनी आती कंपनी से उतनी डलवाओ। मेरी बाइक के अंदर 5 क्लच प्लेट डलवाई है क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी बढ़वानी थी और उससे अलग रखनी है अपनी बाइक, समझ रहे हो ना। एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर भाई, मेरे को अपनी बाइक में जो काम मैंने करा रखे हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बाइक की कॉपी कर रहा हूँ या किसी और की स्प्लेंडर में देखे मैंने 5 क्लच प्लेट तो मैं करवा रहा हूँ। मुझे मेरी बाइक देख के ना काफ़ी यूट्यूबर ने अपनी बाइक बनाई है, ठीक है ना। तो मैं किसी की कॉपी नहीं करता और ना ही मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ वो तुम मत कराओ या तुम ही कराओ, मर्जी है कराना कराओ। मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे से इंस्पायर होकर बंदों ने बाइक बना रखी, अच्छा लगता है कि हाँ भाई बंदों ने बाइक बनवाई है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो हम करा रहे हैं वो तुम्हें कराओ ज़बरदस्ती है, कोई थोपा थापी है, वो नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, बढ़िया हो गया है। अब जो है किस दिन इसकी माइलेज टेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी से माइलेज टेस्ट निकालेंगे, इसकी ड्रैग रेस निकालेंगे, इसकी टॉप स्पीड निकालेंगे। टॉप स्पीड पहले मैं बता दूं, जो स्टॉक क्लच था उसमें भी टॉप स्पीड इसकी 90-100 मतलब 90-95-100 ये जाती थी, डिपेंड करता था मतलब कि रोड का, एयर कैसे आ रही है। कई बार क्या होता है एयर सामने से आ रही है, आप बाइक से यूज आ रहे हो मतलब आप चीर के जा रहे हो उसको एयर को, तो क्या तब भी आपकी जो है ना स्पीड में फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या होता है आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप उसी डायरेक्शन में हवा भी पीछे से आ रही है तो स्पीड ऑटोमेटिकली और बढ़ जाती है, तो वो वाली चीज़ें भी होती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं भैया स्पीड ऊपर नीचे होने के, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 90-95-100 तक मेरी बाइक गई है, कभी कभी 105 भी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 105 जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग रेस बनाएंगे स्टॉक बाइक से इसकी, और एक बनाएंगे टॉप स्पीड, एक बनाएंगे माइलेज टेस्ट, ठीक है। 3 वीडियो आएंगी, बट तीनों वीडियो के लिए कितने कमेंट ज़्यादा पहले आते हैं वो वाली वीडियो पहले आएगी, ठीक है। बाकी ये वाली वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है मेहनत चलती है फुल ऑन। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।